एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। और अब एक बड़ी खबर, गाजीपुर आंदोलन स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अचानक ही सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुबह सुबह सुरक्षा बलों की कंपनी वहां पर डिप्लॉय की गई है। रोडवेज बस भी मौके पर पहुंची है। इसके अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। एडीजी से लेकर आईजी डीएम एसएसपी मौके पर तैनात है। तो क्या चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, किस तरह की हलचल है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आंदोलन स्थल पर रोडवेज की बस पहुंची है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। अतिरिक्त फोर्स बढ़ा दी गई है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां बीती रात से ही प्रशासन ने बिजली भी काट दी थी, पानी सप्लाई भी बंद है, साफ सफाई भी बंद है। सीधा आपको लिए चलते हैं, शक्ति सिंह ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, वहां किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है गाजीपुर बॉर्डर पर? रोडवेज की बसेस वहां पर पहुंच रही हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जो फोर्स है यहाँ पर, फोर्स अचानक काफी भारी तादाद में आ गया है और बताया ये जा रहा है कि कुछ ही देर बाद किसानों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि जो रोडवेज की बसेज हैं, यहाँ पर काफी रोडवेज की बसेज मंगाई गई हैं, ताकि अगर कोई दंगाई करता है तो उन्हें इसमें भर कर कहीं और ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये जो 64 दिन का से जो आंदोलन चल रहा था, अब इसको खत्म करने का समय आ गया है। सरकार ने काफी छूट दी हुई थी इस आंदोलन को करने के लिए, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लाल किले पर झंडा फहराया गया था, उससे लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार सख्त हो गई है। और आज इस गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कवायद अभी कुछ देर बाद शुरू की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। ये रोडवेज की बसेज हैं और ये रोडवेज कर्मचारी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे ही जानते हैं कि इन्हें यहाँ किसने बुलाया, किसने बुलाया आपको यहाँ? यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बुलाया है हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा। किस लिए बुलाया है वो प्रशासन का मामला और क्षेत्रीय प्रबंधक जी का मामला। देखिए, लगातार ये रोडवेज की बसेज हैं यहाँ पर, जो कि जिन्हें बुलाया गया है, और यहाँ पर कुछ देर बाद कार्रवाई शुरू होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है, किसानों को हटाने के लिए। इधर आरएफ फोर्स है, ये फोर्स काफी भारी तादाद में यहाँ पर लगा दी गई है, और अब सभी जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर सभी तैनात हो गए हैं। सभी के सरों पर इस समय हेलमेट भी पहनने शुरू कर दिए, हाथों में डंडे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन चल रहा था, अब उसको खत्म करने का समय आ गया है, ऐसा इस तस्वीर से देखा जा सकता है। वहीं यहां पर एडीजी, आईजी, डीएम, एसएसपी, जितने भी आला अधिकारी हैं, तमाम यहां पर इस समय मौजूद हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी देर में ये ऑपरेशन शुरू होगा और शुरू होने के बाद खत्म कब होता है, क्योंकि काफी भारी तादाद में यहाँ पर संख्या में जो किसान बैठे हुए हैं, उनकी संख्या भी यहाँ पर काफी है। वहीं अगर फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस भी यहाँ काफी भारी तादाद में मंगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन लगातार चल रहा था, पहले वो शांतिपूर्ण उन था, लेकिन बाद में वो उग्र हो गया और उसने इस तरह की तस्वीर पेश की कि जिससे कि सरकार को ये सख्त कदम उठाना पड़ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा था, आज उसको खत्म करने का समय आ गया है। इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है। लगातार रात में भी यहाँ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी कि रात में भी यहाँ काफी फोर्सेस लगाया गया था, लेकिन रात का समय था। रात पहले पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर पहले बिजली काटी इनकी, कि जो बिजली यहाँ मुहैया इन लोगों को कराई गई थी पिछले 2 महीने से लगातार पहले इनकी बिजली काटी गई। फिर उसके बाद हो सकता है कि रात में इस ऑपरेशन को इसलिए अंजाम ना दिया गया हो, क्योंकि रात का समय है, सर्दी का वक्त था। अगर यहाँ पर कुछ उपद्रव होता है और कोई बवाल होता है, तो कहीं ना कहीं आरोप लगता कि रात का ठंड का समय था और ठंड के समय पानी की बौछार इन पर छुपी गई। लेकिन कुल मिलाकर शक्ति, आप ये बता रहे हैं कि प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आया है कि गाजीपुर बॉर्डर को भी खाली कराना है, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि रोडवेज की बसें जो है वो लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं, कि उन बसों में इनको डाल करके वहां से अलग ले जाया जा सकता है, और अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए अतिरिक्त फोर्स भी वहां पर तैनात है। लेकिन कितने लोग अभी वहां पर बैठे हुए हैं, किसानों की बात करें तो तकरीबन कितनी संख्या होगी जो अभी वहां पर मौजूद है, क्योंकि कुछ लोग रात से छोड़कर जा भी रहे हैं आंदोलन स्थल? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक गुट था यहाँ पर, बीएम सिंह गुट, वो यहाँ से वापस चला गया, उसके कुछ लोग थे वो वापस चले गए। वहीं नीचे की तरफ जो तस्वीर है, जो गाजीपुर जो बॉर्डर है, नीचे वाला जो बॉर्डर है जिस पर भारतीय किसान यूनियन
काफी समय से बैठी हुई थी, अब उन किसानों ने वहां से सुबह पलायन शुरू कर दिया। उनसे हमारी बात भी हुई, हमने पूछा भी उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो शर्मसार कर देने वाली जो तस्वीर आई, हम उससे काफी आहत हैं, हमारे घर से भी पूछा जा रहा है, इसलिए हम यहां से जा रहे हैं। तो काफी संख्या में तो लोग जा चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें अभी की, तो अभी भी हजारों की संख्या में यहां पर जो किसान हैं वे जमे हुए हैं। जो पंजाबी जो सिख किसान हैं वे NH9 पर ऊपर जमे हुए हैं और उनकी संख्या भारी तादाद में है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर लाठीचार्ज या कुछ ऐसी कार्रवाई होती है तो ये तो देखना होगा कि बवाल तो यहाँ जरूर होगा और काफी यहाँ पर ऐसा उपद्रव भी देखने को मिल सकता है जो उपद्रव दिल्ली में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी इस समय चुनौती है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन किस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर हटा पाएगा। वहीं इनसे लगातार वार्ता चली, बातें चली, बातचीत भी करते रहे, प्रशासन रात भी इनसे वार्तालाप करता रहा। प्रशासन ने एक अल्टीमेटम भी दिया कि अब बहुत हो चुका है, अब आप लोग यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से चले जाइए, लेकिन अब ये लोग अभी तक यहाँ से नहीं गए और यहाँ जमे हुए हैं। तो उसको देखते हुए इस भारी फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है और रोडवेज बसों को बुलाया गया है कि जो भी यहाँ पर उपद्रव करता है उन्हें इन बसों में डाला जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।